राधे राधे, आज मैं बना रही हूँ कुलचे, वो भी पनीर के, लेकिन मैदे से नहीं, मैं बनाऊंगी आटे से और उसी के साथ बनाएंगे एक इमली और आलू की खट्टी मीठी चटनी। तो फिर शुरू करते हैं। ये बेसिक सामान है जो हमें कुलचे बनाने के लिए और चटनी बनाने के लिए चाहिए, बाकी चीजें मैं आपको बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले हम कुलचे बनाने के लिए आटा तैयार करेंगे। तो ये लिया है मैंने गेहूं का आटा, इसमें बिल्कुल भी मैंने मैदे का इस्तेमाल नहीं किया, ना किसी और चीज़ का इस्तेमाल किया, ये प्योर गेहूं का आटा है। उस आटे में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, इस तरह से फैला देंगे। बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ध्यान रखिए, हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। इसमें मैंने ऐड किया है दही, और एक चम्मच चीनी, और इन सब चीजों को मिला देंगे इसमें आटे में। इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है, दही डाला है, चीनी डाली है, सारी चीजें डाली है ना, तो और थोड़ा सा एक चुटकी नमक डालेंगे जिससे कि सारी चीजें ना एकदम बैलेंस हो जाए। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, 2 चम्मच घी। इस चम्मच को हम निकाल देते हैं, इन सारी चीजों को करेंगे मिक्स, और ये कुलचे बनाने के लिए हम ना तो किसी तंदूर का इस्तेमाल करेंगे ना ही अवन का इस्तेमाल करेंगे, हम इसे गैस पे बनाएंगे, वो भी तवे पे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। आटा हमारा लग चुका है, अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा हल्का सा घी ऊपर से हम इस पे लगा देंगे, एक चिकना कर देंगे और इसे आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे। इस तरह से हम इसको ढककर रखेंगे आधे घंटे के लिए, तब तक हम बनाएंगे स्टफिंग। पनीर कुलचे बन रहे हैं तो हम इस पे पनीर ग्रेट कर लेंगे इस तरह से। ये पनीर हमारा इस तरह से कर लेंगे तैयार, और इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, आपको जो सब्जियां पसंद है ना वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हम डालेंगे चाट मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा उसको पीस के उसका पाउडर डालेंगे, साथ में डालेंगे हरा धनिया। अब इन सब चीजों को करेंगे हम मिक्स। चलिए ये सारी चीजें तो हो गई हैं मिक्स, इसको कर देते हैं हम साइड में। अब हम बनाएंगे इमली और आलू की चटनी। जो कुलचे में हम बनाएंगे ना, इमली और आलू की चटनी बनती है ना, वो एकदम पतली बनती है, कोई गाढ़ी हमें इमली नहीं चाहिए, एकदम इस तरह से, इस तरह के इमली को अच्छे से पका के और इस तरह का घोल बना के तैयार करना है। इसमें मैं ऐड करूंगी प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा ऐड करेंगे चाट मसाला, जीरा पाउडर, थोड़ा ज्यादा जाएगा इसमें। इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच चीनी, उसमें 2 चम्मच के करीब हमको चीनी इसमें डालेंगे, और डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। हम इन सब चीजों को करेंगे मिक्स। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे आलू, आलू ऊपर से जाएगा हमारा धनिया, थोड़ा सा इसमें बारीक कटा हुआ डालेंगे धनिया। तो लीजिए, जो कुलचे के साथ चटनी बनती है ना, वो बिल्कुल इस तरह से ही बनती है। अगर आप गाढ़ी पसंद करते तो आप अपने इच्छा अनुसार बना सकते हैं, लेकिन मैंने बनाई आलू और इमली की ये चटनी। ये तो हो गई है तैयार, चलिए करते हैं आगे की तैयारी। आधा घंटा हो चुका, चलिए आटा चेक कर लेते हैं।
ये देखिए एकदम सॉफ्ट डो तैयार हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। चलिए शुरू करते हैं कुलचे बनाना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हम पेड़े काट लेते हैं इस तरह से। थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और इसको इस तरह से हम फैला लेते हैं आटे को। और ये पनीर की स्टफिंग जो हमने तैयार की उसको इस तरह से हम इसमें अच्छे से भर देंगे। ये देखिए अब ये चारों तरफ इसको हम फोल्ड कर देंगे। अच्छे से अब थोड़ा सा सूखा आटा इस पे इस तरह से लगा लेंगे और इसको हल्के हाथों से इस तरह से फैला देंगे। थोड़ा सा लगाएंगे सूखा आटा और हल्के हाथों से बेलन की मदद से इसको बेल देते हैं। ये हो गया, इस पे हम फैला देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इस तरह से हम इसको बेलन पे इस तरह दबा देंगे। इसी तरह से हम बाकी भी बना लेंगे। ये तवा अच्छे से गर्म हो गया है। अब सेकने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसको अच्छे से इस तरह से फैला देंगे और कुलचे को इस तरह से हम इस पे डाल देंगे इस तरह से और इसको कवर करेंगे इस तरह से और धीमी आंच में हम इसको सेकेंगे। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए रेडी। ठीक इसी तरह से हम इस पर थोड़ा सा पानी फिर से डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे बस थोड़ा सा और इसको फिर से हम पैक कर देंगे। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए कुलचा हमारा बनके तैयार है। अब इस पे क्या करेंगे ना, इस पे हम लगाएंगे घी। इस तरह से हम इसको घी से सेक लेंगे। अगर आप बटर लगाना चाहें बटर लगा सकते हैं और कुछ ना लगाना चाहें ना धीमी आंच में इसी तरह सेक के तैयार कर सकते हैं। अलट पलट करके इसको सेक लेंगे। इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में।